तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से अमीबा का चित्र बनाना सिखाएंगे और उसके पार्ट्स नेम भी बहुत ही आसानी से लिखना सिखाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले आपको एक सर्किल यहाँ पर इस तरह बनाना होगा। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा, फिर आपको इसको सर्किल के अंदर करना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, इसको यहाँ पर ऐसे पॉइंट बीच में लगा दीजिएगा। फिर आपको गाइस जस्ट ऊपर ही एक बार यहाँ पर ऐसे करना होगा, इसको डबल कर दीजिएगा। इसी तरह आपको एक बार फिर से रिपीट करना होगा, एक पॉइंट लगाइएगा, इसको हम सर्किल के अंदर इस तरह बना देंगे। 1 2 3 4 बार आप इस तरह रिपीट कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा आप सी लेटर लिखिएगा, इसको हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, इधर बढ़ाएंगे और इसको इस तरह मिला दीजिएगा। बीच में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लगाने होंगे। पॉइंट लगाने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ से ये वाला सिरा इसको ऊपर की तरफ ऐसे उठाना होगा, इधर से नीचे की तरफ ले जाइएगा, हल्का सा अंदर की तरफ यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए दोस्तों यहाँ से ले जाइए, इसको आप आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर इसको नीचे की तरफ करेंगे, इस साइड हम ऐसे बढ़ाएंगे, इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हुए इसको अंदर की तरफ कर दीजिएगा। यहाँ पर शेप आप कोई भी शेप बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ऐसे करिए, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करिए, फिर इसको हम इधर ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स भी ऐसे लगाने होंगे, इधर भी पॉइंट लगाइएगा, इस साइड भी हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लगा देंगे, इधर लगाइए। और उसके बाद दोस्तों आपको पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट लगाने होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जल्दी से हम पॉइंट लगा लेते हैं और दोस्तों इसके पार्ट्स नेम भी आसानी से हम लिखना सीख लेते हैं।